बारिश थमने के बाद अगले 2-3 दिन में दिल्ली से मॉनसून की विदाई हो जाएगी। हवा की दिशा बदल चुकी है। सप्ताह भर में मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। उमस कम हो जाएगी। सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। वहीं धुंध की शुरुआत भी इस बार जल्दी हो जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 34.9 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम सामान्य से 4 डिग्री अधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 52 से 90% रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 और 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत का कहना है कि हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी होने से जल्द ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगेगा। वहीं राजस्थान के पश्चिमी भागों पर एक विपरीत चक्रवात के बनने की संभावना के साथ राजस्थान के पश्चिमी भाग से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा यूपी के गोरखपुर में वातावरण की नमी और रह रहकर धूप निकलने के मौसम में बदलाव होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ओस गिरनी शुरू हो गई है। इससे रात के तापमान विशेष तौर पर गिरावट दर्ज की गई है। वहीं यहाँ पर स्थिति आगरा में बुधवार तेज धूप ने लोगों को भी परेशान किया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा में भी हवा में बदलाव की संभावना को देखते हुए अगले 24 घंटों में मानसूनी हवा कमजोर पड़ने की संभावना है, जिससे राज्य में 10 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव दर्ज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।